देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन में, इस सेशन के अंदर हम आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेशन में आज हम रिपोर्टिंग सेशन पर आए। मैं आपको पहले 5 मिनट के अंदर रिकैप कर दूँ अंकित पीछे का, जितना हमने करा है, ताकि जो हमारी पुरानी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमने बताया था मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी पीस को बनाने से रिलेटेड किए जाने वाला खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था। हर कंपनी या छोटा या बड़ा बिजनेस हो, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। जस्ट लाइक मेरी एक शॉप है या मेरी कंपनी है जिसमें पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेरी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेरी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेरी फ़ैन की होती है, एसी की होती है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर कितनी कॉस्ट आ रही है उसे निकालना ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, सर हमें ना ट्रेडिंग की जॉब में भेज देना, ट्रेडिंग बहुत ईजी होता है। लेकिन वो ट्रेडिंग की जॉब कर लेते हैं, लेकिन आने वाले जितने फ्यूचर में उनकी लाइफ होती है, जितना भी टाइम वो काम करें अकाउंटिंग फील्ड में, वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते जितनी मैन्युफैक्चरिंग वाला कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है कि ये माल उधर पड़ा है, ये उधर पड़ा है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, आपने माल खरीदा बेचा बात ख़त्म। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देखो प्रॉब्लम बहुत हैं, लेकिन ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कई बार हमारे पास प्लेसमेंट आदि इसमें लिखा होता है, जी हमें परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ चाहिए या अकाउंटेंट चाहिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी से आती हो, जो हमें एक पीस की कॉस्ट बता सके। और अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 15 या 18 के अप्रॉक्सीमेट होगी, बट अच्छी तरीके से आती, ठीक है। तो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आपका, हमने यहाँ से कंपनी का नाम बनाया था जिसका नाम था अंश जींस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमने सबसे पहले क्या करी थी, परचेज करी थी। परचेज हो जाने के बाद हमने क्या करी थी, कोई बताएगा? परचेज हो जाने के बाद हम कहाँ आए थे, स्टॉक जर्नल पर आए थे। स्टॉक जर्नल का मेन पर्पस होता है किसी आइटम को बनाना और किसी आइटम को कंज्यूम करने से रिलेटेड होता है। लेकिन हम इस टॉपिक पे आने से पहले कहाँ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, फीचर ऑप्शन पे आते हैं, इन्वेंटरी पर जाते हैं, और सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं, मेंटेन एमसी वाइज पर क्लिक करते हैं, और साथ साथ अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर पर क्लिक करके सेव कर देते हैं। क्या इतने क्लिक करने में कोई हमें दिक्कत है? जब ये क्लिक हो जाता है उसके बाद हमें कहाँ आते हैं, हम स्टॉक जर्नल पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं। स्टॉक जर्नल का यूज़ आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा? आशा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक जर्नल? आप खड़े हो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, ऐसा तो नहीं है परचेज में भी एंट्री करते हैं? क्या मतलब, क्या मोटिव है इसका, क्या इंपॉर्टेंट है? हम 4-5 दिन से इसी टॉपिक के पीछे आपके साथ डिस्कस करें, क्या है बट स्टॉक जनरल क्या है? ऐसा तो नहीं होता इसमें, क्या विवेक ऐसा होता है? शिवम, शिवानी खड़े हो, स्टॉक जनरल क्या होता है? क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा, स्टॉक मतलब रखना। अच्छा, कीप माने फिर क्या होता है? अंकित, स्टॉक जनरल किसी भी आइटम को जनरेट करना और किसी भी आइटम को कंज्यूम करने के लिए स्टॉक जनरल टॉपिक का यूज किया जाता है। हाँ, समझ आया, बैठे हैं आप लोग। स्टॉक जनरल का क्या पर्पस होता है, किसी भी एक आइटम को बनाना और किसी भी एक आइटम को कंज्यूम करना। और इसके साथ एक लाइन जोड़ी थी, किसी को याद है? लकीर का फकीर बनकर नहीं चलना, कि अगर मैंने बोला है कि एक आइटम को जनरेट करना और दूसरे आइटम को कंज्यूम करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा यही करोगे। तो कई बार आप प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते, और दूसरी बार क्या हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो और जनरेट नहीं कर सकते। और ये टॉपिक सेपरेटली यूज होता है, किसी के साथ बाउंडिंग नहीं होके होती।
चाहो तो आप इस टॉपिक को यूज़ कर लो और चाहो तो इस टॉपिक को यूज़ कर लो, और दोनों ना करना हो तो इस टॉपिक पे आओ मत, ठीक है। दोनों यूज़ ना करना हो तो फिर स्टॉक आने का फ़ायदा ही क्या, फिर मत आना इस पर। तो स्टॉक जनरल का मेन पर्पस क्या होता है, किसी आइटम को बनाना और किसी आइटम को घटाना, या कई बार आइटम को बनाना और कई बार आइटम को घटाना। लेकिन इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें डेट गिवन होती है हम यहाँ पर वो डेट डालते हैं, यहाँ पर बनाने वाले का नाम डालते हैं, जहाँ से माल कंज्यूम किया जाता है हम यहाँ पर वो नाम डालते हैं। उसके बाद आइटम जनरेटेड के अंदर, आइटम जनरेटेड के अंदर हम उस आइटम का नाम डालते हैं जो प्रोडक्ट क्या होता है जनरेट होता है। जनरेट मतलब जानते हैं कोई क्या होता है अंकित, क्या होता है आकाश, बढ़ाना, क्या होता है बढ़ाना होता है। और जब भी हम इसके ग्रुप में हमेशा क्या डालेंगे, फिनिश गुड्स, क्या डालते हैं फिनिश गुड्स का मतलब कोई जानता है, बना हुआ माल, क्या होता है बना हुआ माल। और इसके बाद जो जो आइटम है इसके अंदर लग रही होती हैं वो आइटम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं नीचे वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ डाल देते हैं, ऊपर डालते हैं, जिससे हमें एक पीस की क्या मिल जाती है कॉस्ट मिल जाती है। और हमें एवरेज निकालनी हो तो क्या फार्मूला होता है, टोटल कंज्यूम क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल जनरेट क्वांटिटी, ये हो गया। इसके हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब माल बन जाता है तो हम कहाँ आते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र पे आते हैं, और जिसका मेन पर्पस होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो आशा आप बोल रहे थे वो ये टॉपिक था, स्टॉक ट्रांसफ़र। क्या था वो, जब माल को किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाना होता है। क्या कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक तरफ से दूसरी जगह ले जाना होता है तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। और जब भी आप स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको याद है कि हम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, फ्रॉम का मतलब होता है जहां माल रखा है, इसको दूसरे नाम से भी बोला था, कोई नाम बताएगा दूसरा, एक टेक्निकल वर्ड बोला था, क्या था वो, सोर्स एमसी होता है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट एमसी, इसे क्या बोलते हैं, सोर्स एमसी, और इसे क्या बोलते हैं हम, टारगेट एमसी। तो सोर्स का मतलब जहां माल रखा होता है, और टारगेट का मतलब जहां माल जाता है। टू मतलब होता है से, टू मतलब क्या होता है से, तो माल जहां जाना है। तो कटिंग से माल कहां जा रहा है, अरुण फैब्रिकेशन से जा रहा है, अरुण फैब्रिकेशन से माल कहां जा रहा है, वॉशिंग पे, वॉशिंग से माल कहां जा रहा है, पूजा पर, पूजा से कहां जा रहा है, रिया पर, रिया से कहां जा रहा है, शॉप पर, और शॉप से कहां जा रहा है, मेन स्टोर से। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, आ गया समझ में टॉपिक। ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें एक पीस की क्या पता चल जाती है, कॉस्ट पता चल जाती है, कि हम लास्ट एंट्री को देख सकते हैं शॉप वाली को, कि एक पीस को बनाने में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, 532, और प्लस हम किसको ऐड करते हैं, 3.50 रुपये, या फिर हम लास्ट एंट्री एक और कर देते हैं शॉप टू मेन स्टोर, क्या कर देते हैं हम लोग, शॉप टू मेन स्टोर, जिससे हमें एक पीस की क्या पता चल जाती है, कॉस्टिंग क्या है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। ये करने के बाद हम लोग पता है कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, सेल पर जाते हैं, और हमें जैसे सेल करनी होती है वैसे हम सेल कर लेते हैं। समझ आई सेल कैसे करते हैं, हमें एक पीस की क्या निकालनी होती है, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो हमें मिल जाएगी कहाँ से, स्टॉक ट्रांसफ़र से। फिर हमें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सेल प्राइस, और सेल प्राइस निकालने कोई मुझे फार्मूला बता सकते हैं, मैं भूल गया हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है, जितनी तुम्हारी कॉस्ट है उसमें क्या जोड़ दो, अपनी प्रॉफिट जोड़ कर दो, क्या जाएगा वो, सेल प्राइस। एक दुकानदार जब भी आपको कोई माल बेचता है तो उसमें पहले उसकी कॉस्ट शामिल होती है, साथ साथ उसमें क्या शामिल होता है, उसका प्रॉफिट। कोई ऐसी शॉप देखे जहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट माल मिलता हो, जितने का खरीद के लाए उतने का बेच दे, ऐसा अगर वो करता होगा थोड़े दिन बाद फिर वो छोड़े, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, सेल पर आते हैं, और जो हमें सेल करनी होती है वो हम यहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन यह कॉस्ट 912 रुपये मेरी आ रही है, लेकिन अगर आपको एक पीस की कॉस्ट निकालनी तो क्या करोगे, आप सबसे पहले लास्ट एंट्री चेक करो, क्या करोगे, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री चेक करने के लिए क्या दबाओगे, ओल्ट आई, यहाँ से ओल्ट आई दबाओगे, उस आइटम का नाम डालोगे, और यहाँ के बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है लास्ट एंट्री पढ़ाना है, लास्ट लास्ट, यहाँ से एंटर मारना, कॉस्टिंग देखनी कितनी आ रही है, 535 रुपये, और उसने बोला कितना परसेंट ऐड करना है, 70%, कितना बताया था, तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, F10, और यहाँ के लेंगे 535 रुपये 99 पैसे गुणा 70/100, तो कितना आ गया, 375 रुपये 19 पैसे, प्लस क्या कर देंगे, 535 रुपये 99 पैसे, इंटर करेंगे तो 900
₹11 कोसा के रेवेन्यू। समझ आ गया आपको? नहीं समझ आया, वेरी गुड। बताने के लिए सबसे पहले अभी क्या था, हम सेल करें तो हमें कॉस्ट नहीं पता थी कि हमारे माल कितने का बना, हमें कॉस्टिंग पता है, लेकिन कॉस्टिंग भी कहाँ से पता है? उसके लिए हम क्या दबाते हैं, ऑल्ट आई दबाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, यहाँ आइटम का नाम टाइप करते हैं, जो भी आइटम का नाम होता है, इंटर मारकर। इंटर मारने की ज़रूरत नहीं, आप F2 भी कर दोगे तो भी वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट एंट्री पर आएंगे और जो भी हमारी लास्ट एंट्री होगी उसके बाद हम यहाँ देख लेंगे, ₹535.99 कॉस्टिंग है। इसमें कितने परसेंट ऐड करना है, 70%। वो कहें ₹50 ऐड करना है तो आप कितने ऐड कर देना, 50, लेकिन अभी वो कितना बोल रहा है, 70%। 70 के लिए क्या दबाओगे, अपने कीबोर्ड से F10 दबाओगे, ₹535.99 गुणा 70 डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आ गया, ये आपका प्रॉफिट आ गया 375। लेकिन इसमें ऐड क्या करनी होती है हमें, कॉस्ट, तो क्या निकल जाएगा आपका, प्रॉफिट आ गया। और मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। अच्छा बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इतना समझ आ गया सभी को? ये टॉपिक मैंने लास्ट लास्ट क्लास में ही बताया था, लेकिन आज मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहले रिपोर्ट की बात आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे किस पार्टी से कितना लेना है, किस पार्टी को कितना देना है, अगर वो एक पार्टी का नाम बताए, किसका बताए नाम, एक पार्टी का, किसका बताए, एक पार्टी का नाम, क्लियर है, पार्टी का नाम नहीं है, एक पार्टी। कोई पूछे कि एक पार्टी का लेजर निकाल दो, एक पार्टी का खाता ऑन कर दो, एक पार्टी का अकाउंट दिखा दो, सारी बातें एक है, अपने कीबोर्ड से क्या दबा दो, ओल्ड प्लस एल दबा दो, क्या दबा दो, ओल्ड प्लस एल, और उसके बाद उस पार्टी का नाम टाइप कर दो। आपने कहा कटिंग मास्टर जी राम का लेजर निकाल दो, यहाँ से राम डाल दिया, इसके बाद क्या कर दो आप, कटिंग मास्टर जी अभिषेक, कटिंग मास्टर जी राम लाल लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पर, कटिंग मास्टर जी राम लाल, और उसके बाद इंटर इंटर मत मारना, स्पीड बनानी है तो F2 दबा देना, क्या दबा देना, F2 दबा देना, जैसे F2 दबाओगे अपने आप ऑन हो जाए। तो यहाँ बता रहा है कटिंग मास्टर को हमने 6 तारीख को पेमेंट कर दी, कितनी, ₹1612.50, जबकि उनका जो उन्होंने 15 तारीख को काम करा वो कितने का करा, ₹3915 का, और जिसके आगे CR होता है उसका मतलब हमें देना होता है। कॉपी पर लिखें जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, कॉपी पर लिखें, यस, CR का मतलब होता है हमें पार्टी को पैसा देना है, और DR का मतलब होता है हमें पार्टी से पैसा लेना है। अगर किसी पार्टी के लेजर में अगर किसी की पार्टी के लेजर के बैलेंस CR में आता है तो आप ये समझ जाना उसे हमें पैसा देना है। और अगर किसी पार्टी, क्या हुआ, और अगर किसी पार्टी, दोबारा रिपीट करो, अगर किसी पार्टी के लेजर में CR आता है, अगर किसी पार्टी के लेजर में CR आता है तो इसका मतलब होता है हमें पार्टी को पैसा देना है, क्या है, पार्टी को पैसा देना है। और अगर किसी के लेजर में DR आता है इसका मतलब हमें पार्टी से पैसा लेना है, क्लियर है। तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछे बता भाई इस पार्टी को देना या लेना, तो आप बता देना सर CR मतलब लेना होता है और DR मतलब देना होता है। सर गलत बोल गए शायद मैं, अच्छा अगर किसी पार्टी के अकाउंट में DR है तो उसे हमें देना होता है, और जिसके अकाउंट में CR है उसे हमें लेना होता है। नहीं सर गलत बोल रहा मैं, दोबारा आप बता दीजिए क्या ले होगा, ठीक है, इतना दिख गया आपको, हमें इसको लेना या देना है, कौन बोल रहा है लेना है, किसने बोल रहा है लेना है, डोली बताएं, अगर बढ़ के आगे CR है तो इसे देना है या पैसा लेना है, कैसे बोल सकते हो आप इन लोगों की बातों में आ गए, CR मतलब देना होता है, ठीक है। अगर किसी पार्टी के बैलेंस के अंदर क्या आ जाए, CR आ जाए, इसका मतलब हमें उस पार्टी को बैलेंस पैसा देना है, और अगर किसी पार्टी के लेजर में क्या आ जाए तो हमें उस पार्टी से पैसा लेना है।
तो क्या किसी भी का लेजर देखकर बता सकते हो इस पार्टी को पैसा देना है, इस पार्टी से लेना है? ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होगी आगे? चलिए आप मुझे बताएं, इस पार्टी का नाम टाइप कर रहा हूँ, इससे मुझे पैसा लेना है या देना है, बताएं। वाह भाई वाह, कौन कह रहा है लेना है, हाथ खड़े करना। कैसे लेना है भाई, बताओ ना कोई लॉजिक तो। सर इसके अकाउंट में क्या आ रहा है? डीआर आता, और मैंने अभी बोला जिसके आगे क्या आ जाए डीआर उससे हमें पैसा लेना है। कोई प्रॉब्लम? हाँ अच्छा, अभी तक हाथ खड़ा कर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म भी हो गया, आंसर ही मिल गया, फिर भी हाथ खड़ा है। अच्छा सर इसका प्रिंट आउट निकाल दो। क्या निकाल दो इसका? प्रिंट आउट। वो कहेगा ना पार्टी का लेजर भी तो निकाल दो, कि पार्टी नहीं मान रही, तो क्या दबा देना अपने कीबोर्ड से, ऑल्ट पी। क्या दबा देना? ऑल्ट पी, ऑल्ट पी दबाना। फिर पूछेगा फ्रॉम बीजी या एज इट इज फ्रॉम ग्रेड, तो हमेशा क्या करना? फ्रॉम बीजी करना। सबसे पहले टॉपिक पढ़ लो, लेजर कब से कब तक चाहिए, स्टार्टिंग डेट 1/4, एंडिंग डेट दिस, जो भी एंडिंग डेट हो वो डाल दे। इस दिन के बीच में मेरे और आपके साथ जो भी पार्टी ट्रांजेक्शन है उसका सारा काम आ जाएगा। उसके बाद इंटर 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 मारे। अगर प्रिंट देना है तो प्रिंट पर क्लिक कर दें, और अगर उसका क्या निकालना है प्रीव्यू, तो किस पर क्लिक कर दें? प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है ऑल्ट पे। क्या होती है? ऑल्ट पे। वैसे मैं बताता ये बात किसी को नहीं, लेकिन आपके बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर किसी वर्ड के नीचे लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये लाइन आ रही है, इसका मतलब इन शॉर्ट, इसकी जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट के साथ, इसकी क्या है? पी है, इसकी ई है, इसकी एम है, इसकी एस है, और इसकी वाई। तो मैं क्या दबा दूँ? ओल्ड के साथ पी दबा दूंगा तो लेजर खुल जाएगा। सबसे पहले हमारा नाम आएगा, अंश, जींस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिर उस पार्टी का लेजर आएगा जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जिस डेट में डेट वही वो आएगी, टाइप आएगा, वाउचर आएगा, पर्टिकुलर आएगा, क्रेडिट आएगा, फिर डेट आएगी, वाउचर आएगा, सेल आएगी और डेबिट, और टोटल मिलाकर 32,350 रुपये हमें उस पार्टी से देने हैं, लेने, ठीक है, क्या करने हैं? लेने। कोई प्रॉब्लम? सर एक बार दोबारा बताओ, लेकिन दोबारा बताना सर स्पीड में, ठीक है। अगर तुम्हें किसी पार्टी का लेजर निकालना तो क्या दबाओगे? ओल्ड प्लस एल। उस पार्टी का नाम टाइप करोगे, नाम टाइप करने के बाद इंटर मारोगे, ठीक है, और फिर F2 कर दो। क्या कर दोगे? F2 कर दोगे। स्केप दबा दो आप, अभिषेक स्केप दबा दो सर। इसके बाद क्या निकालो? ओल्ड पी दबाओ, इंटर मारो, ओल्ड पी कर दो, स्केप। देखा, जैसे ओल्ड एल, पार्टी का नाम टाइप करा, इंटर मारा, F2 करा, ओल्ड पी करा, इंटर मारा, ओल्ड पी करा, प्रिंट पर आ गया। बताओ कितना समय लगा? मैं बता रहा हूँ तो आपको अप्रोक्सीमेट आधा सेकंड लग गया, लेकिन अगर मुझे इससे बोलता कोई कि लेजर निकाल दो, तो हम लोग स्पीड दिखाते हैं वहाँ पर। हम यहाँ पार्टी का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे, ओल्ड पी, इंटर, ओल्ड पी करके प्रिंट आउट दे देंगे। ये प्रीव्यू आ गया, लेकिन हम डायरेक्ट प्रिंट देते हैं। क्या देते हैं? प्रिंट। प्रिंट के लिए किस पर क्लिक कर दो कि प्रिंट, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रिंट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इतनी बात समझ आ गई? कोई अगर पार्टी का लेजर मांगे तो आप आज से क्या दबाओगे? ओल्ड प्लस, आवाज़ नहीं आई शायद, मैंने गलत बताया, ऑल प्लस एल। और किसी आइटम का लेजर निकालना है तो ऑल प्लस जी, 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 ठीक है, समझ आ गया? तो मैं अगर किसी आइटम का लेजर निकाला तो क्या दबाना? ऑल्ट जी दबाना। लेकिन सर अब तो ये ऑल्ट जी ना बीजी के अंदर चेंज हो गए। अगर तुम में से कोई बच्चा पहले पढ़ रहा होता आफ्टर बिफोर 2 मंथ या 3 मंथ, तो मैं ओल्ट जी बताता था। क्या बताता था? ओल्ट जी। बट अब मैं ओल्ट जी शॉर्टकट की नहीं बताता। क्यों? क्योंकि बीजी ने ओल्ट जी शॉर्टकट की बना दी जीएसटी समरी के लिए, और अब आपको हमेशा ओल्ट आई दबाना है। क्या दबाना है? ओल्ट आई दबाना है। क्या दबाना है? ओल्ट आई दबाना है, ओके। और उसके बाद जो भी आइटम का नाम हो, आइटम का नाम डालोगे, उसके बाद जो भी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। क्लियर? इतना समझ आ गया आपको? तो याद रखना, ओल्ट आई से किसी आइटम की इंफॉर्मेशन आती, कितनी आई, कितनी बिक गई। ओल्ट एल से किसी एक पार्टी का लेजर आए, मुझे उससे कितना लेना, मुझे उससे कितना देना है।
क्लियर देख ओके। लेकिन 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 सर मुझे ये बताओ, टोटल मुझे डेप्टर से कितना पैसा लेना है, टोटल मुझे क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है। मेरी बात समझ आई? मुझे टोटल डेप्टर से कितना पैसा लेना है और मुझे कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा देना है। चलिए आकाश मुझे खड़े होके बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, जिसे पैसा देना होता है। वेरी गुड, बैठिए। विष्णु खड़े होके बताएं, सन्ड्री डेप्टर्स कौन होते हैं, जिससे हम माल परचेज करते हो, जिनको हमें पैसा देना होता है। देना होता है, हाँ देना होता है ना। सन्डी डेप्टर्स होते हो, तो मैंने डेप्टर्स पूछा है ना आपसे, देना होता है। तो कहाँ ध्यान था आपका, मैं बार बार देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, फिर भी आप वर्डिंग पे नहीं ध्यान दे रहे। बैठे, सन्डी डेप्टर्स क्रेडिटर्स क्लियर है। आज के बाद अगर किसी को भी कोई रिपोर्ट चाहिए ना, तो बीजी के अंदर रिपोर्ट का कॉलम होता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है अकाउंट समरी, और इसके अंदर फोर्थ नंबर पे होता है कंसोलिडेटेड समरी। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा करना, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को मर्ज करना, वो क्या कहलाता है, कंसोलिडेटेड। आपको यहाँ आना है, इंटर मारना है, अकाउंट वाइज पर जाना है। सबसे पहले पूछेगा ऑल अकाउंट, ऑल अकाउंट मतलब जानते हो, सब आएगा, सारे खर्चे, सारी सिंडिकेटर, सारे एक्सपेंस, सब आएगा। लेकिन मुझे किसका चाहिए, ओनली ओनली सिंडिकेटर। तो कहाँ जाऊंगा, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और क्या नाम टाइप कर दूंगा, तो जितने मेरे संडी क्रेडिटर्स होंगे उनका ओपनिंग बैलेंस, उनका डेबिट बैलेंस, उनका क्रेडिट बैलेंस और उनका क्लोजिंग बैलेंस। तो संडी क्रेडिटर को टोटल मुझे जो पैसा देना है वो 13,98,045 रुपये 25 पैसे देने, पैसे देने। सर आप कैसे बोल सकते हो किसको पैसा देना है, क्योंकि सर इनके आखिरी में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सर ये डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब मैंने इनको इतना पैसा दे दिया, क्रेडिट मतलब मैंने इनसे इतने का माल खरीदा था। अगर आप इन पे इंटर मारेंगे तो बता रहा है कि आपने इसका काम इतने का करवाया, पैसा इतना दिया और अभी इतना पैसा बाकी। क्लियर, तो यहाँ से आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाए। सर अगर संडी डेप्टर्स निकालना है तो भी हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, फिर कहाँ जाएंगे, अकाउंट समरी, फिर कहाँ जाएंगे, कंसोलिडेटेड समरी, फिर कहाँ जाएंगे, सर गलत कर रहे हो, कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, और क्या लिख देंगे, टोटल कितना पैसा लेना है डेप्टरों से, 7,350। कोई प्रॉब्लम, आज के बाद बता देगा कोई किससे मुझे कितना पैसा लेना है, किससे मुझे कितना पैसा देना है। हेलो सर, अर्जेंट बात करनी थी, आ जाओगे ऑफिस, अर्जेंट बात करनी थी कुछ, चलिए आ जाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डे बुक। क्या डे बुक का मतलब होता है, एक दिन का लेखा जोखा निकालना, एक दिन का लेखा जोखा निकालना कि मैंने कितनी सेल करी, मैंने कितनी परचेज करी, मैंने कितनी रिसीव करी, मैंने कितनी पेमेंट करी, वो क्या कहलाती है, देव। क्या बोल रहा है, हंसी क्यों आ रही है, बता दो, हम भी परेशान आदमी है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो कहाँ आएंगे हम, डे बुक पर। अब आप लोग परेशान होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब बात आएगी रिपोर्ट की। मैं कभी तुम्हें सबसे नीचे कॉलम में ले आऊँगा, कभी तुम्हें ऊपर जाऊँगा, कभी बीच में रखूँगा, कभी साइड में, ये सोचना है हमें कब हमें रिपोर्ट कैसे देनी। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मुझसे कोई रिपोर्ट मांगे ना, तो मुझे पता है वो रिपोर्ट वहाँ से आएगी, वो रिपोर्ट वहाँ से आएगी, वो रिपोर्ट वहाँ से आएगी। मुझे कोई कॉल करता है ना, मैं बीसी पर भी नहीं बैठा हूँ तब भी बता देता हूँ कि यहाँ से रिपोर्ट निकले।
वो तो मेरे को इतना टाइम हो गया इस लाइन में तो बता दो, लेकिन अगर आपको कहीं कमांड बनानी है अपनी तो आपको रिपोर्टें याद करनी, क्योंकि हायर करने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट। अगर तुम उसकी रिपोर्ट उसके अगेंस्ट दे दोगे तो वो तुम्हें वैसी सैलरी देगा जैसी आप डिमांड करते, क्योंकि मेन काम होता है रिपोर्टिंग। अभी हमने क्या मांगी थी आपसे, कोई बताएगा? डे बुक। क्या मांगी थी? डे बुक। डे बुक के लिए कहाँ होगे? अकाउंट बुक। फिर कहाँ जाओगे? डे बुक। फिर इसे क्या करोगे? इसे यस करोगे, और जैसे ही यस करोगे तो ये आपकी एक दिन की डे बुक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक दिन की डे बुक। इसमें रिसीप आएगा और इसमें किसका कॉलम आ जाएगा? पेमेंट का कॉलम आ जाएगा। ये रिसीप्ट और ये पेमेंट, ये रिसीप्ट और ये पेमेंट, क्लियर? और जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो एक दिन में आपका जितना भी, एक तारीख को कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, दो तारीख को कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग बना, तो एक एक जो भी रिपोर्ट होगी वो सब शो हो जाएगी। लिए तो कई बार रोज शाम को सब डे बुक निकालते हैं कि मेरे गले में कैश और मेरे सिस्टम का कैश मैच हो रहा है या नहीं, तो उसे बोलते हैं डे बुक। क्या बोलते हैं? डे बुक। डे बुक का मतलब होता है एक दिन का लेखा जोखा निकालना कि मेरे पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। क्लियर? इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो टॉपिक आता है, डे बुक एक दिन की निकलती है, चार दिन की, दस दिन की नहीं निकलती। उसके बाद अगर कोई स्टॉक की बात करता है तो कहाँ आते हैं? स्टॉक स्टेटस पे आते हैं। कहाँ आते हैं हम? स्टॉक स्टेटस पे आते हैं, और यहाँ से स्टॉक मिलता है क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली। क्या मिलता है? क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली। इसका मतलब होता है कि जो भी आएगा वो ए बी सी डी के अगेंस्ट आएगा। कितने टॉपिक होते हैं? तीन टॉपिक, बैलेंस ओनली, डिटेल और कॉलम। बैलेंस मतलब होता है बचा हुआ। क्या बचा हुआ? इसमें पूछता है वन एम सी, ग्रुप ऑफ एम सी, ऑल एम सी और सिलेक्ट। वन एम सी का मतलब जानते हो? एक तो मुझे ही पता है वन एम सी, वन तो मुझे ही पता है, वन के अलावा बता दो। विवेक, विवेक चौधरी खड़ा होके बताएगा। हाँ, बट एक एम सी, एक एम सी का मतलब कि एक लोकेशन में कितना माल पड़ा हुआ है। बैठे, मैं जैसे ही वन एम सी करूँगा मुझसे क्या पूछता है? एक जगह का सारा माल, या ग्रुप ऑफ आइटम, या वन आइटम, या तो हमने क्या कर दी? ऑल आइटम। और यहाँ पर ग्रुप का नाम क्या रखा? मेन स्टोर। और इसके बाद जो भी माल है वो सारा हमारे सामने आएगा, तो मेन स्टोर पर यही आइटम। क्लियर? इसके बाद आ जाओ, अगर मैं ऑल एमसी करता जानते हैं फिर क्या होता? सारी जगह का माल आता, फिर मुझसे क्या पूछता? ऑल आइटम या क्या कर सकता हूँ? वन या क्या कर सकता हूँ? और जो ग्रुप का होगा उसके आइटम आ जाएंगे। क्लियर? सर वैल्यू चाहिए, कितने का माल है हमारे पास, तो कहाँ आएंगे? क्या किया मैंने? कहा मैंने कहा ओके, यहाँ देखो सो वैल्यू पड़ते हैं इसके। किसी को डाउट? जोन कर दिया बस। क्लियर? तो यहाँ से स्टॉप। लेकिन सर कितना इन, कितना आउट और कितना रिमेनिंग, तो कहाँ जाएंगे? डिटेल। फिर पूछता है ऑल आइटम, फिर पूछता है ऑल एमसी। तो कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना माल बचा हुआ। देखो पहले कितना इसका ओपनिंग था, कितना इसका प्राइस था और कितना अमाउंट था, कितना इन हुआ, कितना एवरेज है और कितना अमाउंट है, कितना आउट हुआ, कितना एवरेज है, कितना अमाउंट है, कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी है और कितना प्राइस है और कितना क्लोजिंग अमाउंट है। ठीक है? और नहीं चाहिए तो क्या कर दो इस टॉपिक को? नो कर दो। ओपनिंग, इन, आउट और क्लोजिंग। क्लियर? इतना समझ आ गया? तो ये आज का सेशन आपका स्टॉप करते हैं, और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप लोग